आप सभी का मेरे चैनल से स्वागत है मिस्टर बबलू निशा ब्लॉग पर। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में यूँ ही तरक्की करते रहे और आगे बढ़ते रहे, यही प्रार्थना है मेरे ईश्वर से। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, तो ये शाम का समय है तो अब हल्दी का फंक्शन होगा, तो आप सभी के साथ शेयर जरूर करूँगी। अब मैं रेडी हो रही हूँ, अभी आधी कम्प्लीट रेडी हो रही हूँ, तो अभी ये बीच वाली भी रेडी हो रही है, छोटी वाली आधे से ज़्यादा हो गई है। मम्मी को रेडी करके मैं नीचे भेजती हूँ, क्योंकि सारा रस्म मम्मी को ही करना है। तो मैं रेडी होने के बाद आप सभी से मिलती हूँ कुछ देर बाद, फटाफट पहले रेडी हो जाती हूँ, काफ़ी लेट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, मेरा मेकअप हो चुका है, बस छोटी वाली का बाकी है, तो वो भी रेडी हो गई है। आईलाइनर नहीं लगा पाती है तो लगा रही हूँ, और मेरा बस बाल बनाना बाकी है। तो आप सभी ब्लॉग एंजॉय करते रहिए। आज तो मटकोर में पूरा धमाल मच गया था, सभी लोग डांस करते करते बिल्कुल भी नहीं थक रहे थे, तो मैं इधर शूट करने आ गई थी। सारा रसम मम्मी करेगी, क्योंकि बुआ लगती है, बुआ ही सारी रसम करती हैं। तो मामी मम्मी को क्या क्या दी हैं, तो आप सभी ब्लॉग में बने रहिए। तो यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं हमारे गाँव में, मतलब कैसे होता है मटकोर, तो आप सभी देखिए, और आपके यहाँ कैसे होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दो जगह मटकोर मतलब माटी खोदा जाता है, तो बुआई करती हैं ये मटकोर का रसम। तो ये फर्स्ट नियम है, तो यहाँ पे पहले होगा, फिर यहाँ पे होने के बाद फिर दूसरी जगह जाया जाएगा। तो डांस करते करते आते हैं, और फिर डांस करते करते फिर दूसरी जगह जाया जाता है। तो फिर ये यहाँ पे मम्मी जी सारी रस्में कर रही है, मम्मी को सिंदूर लगाएंगी और हल्दी से टिकेंगी, जो जो हमारे यहाँ नियम होता है। मैं फ़र्स्ट टाइम ये सब देख रही थी, मैं सोची थी हल्दी पे बहुत ज़्यादा इंजॉय करूँगी, लेकिन मेरा बेटा बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करने दे रहा था। तो मैं इंजॉय कर रही हूँ, तो डुगू को, डुगू के पापा देख रहे थे और वो इंजॉय कर रहे थे, तो मैं डुगू को देख रही थी, ऐसा हो रहा था। तो आप सभी ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए, फुल इंजॉय कीजिएगा। और छात्र से हमें ऐसा लगा।
चाची होते ना का कर लगा वहां पर दम बने होते का होई और दा आ जाएंगे लिया और मांगो खाना चले नहीं तो मिनी चाची मम्मी आज तक मांगी है चाय पानी कर गया देखो हुआ जाते और दा कम पड़ता मम्मी इधर देखो
अब कुछ नहीं होगा ना, अब होगा ना, अभी नहीं ना। तो जैसे कि आप सभी पहले स्कूल में हमारा हुआ था रसम मटकोर का, फिर यहाँ इनार पे भी होता है, दो जगह ये रसम होते हैं, तो अभी इनार पर आए हैं। तो यहाँ पे होने के बाद ये सारी रस्में, तो फिर मतलब जो लाइन से होते हैं खींच भरा जाता है, और फिर जो जौ भिगोया जाता है चना, तो फिर वो बांटा जाता है, और मम्मी को जो, तो ये सारी रस्में करने पर मम्मी को मिला था साड़ी और पायल एक और एक नाक का। तो आप सभी देखे होंगे, मैं आप सभी को दिखाई थी थोड़ा सा, तो यही चीज़ मिलता है बुआ लोगों को। तो ये सारी रस्में, सभी लोग इंजॉय कर पा रहे थे, लेकिन मैं डुगु मेरे को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करने दे रहा था। जैसा सोची थी उसका पूरा उल्टा हुआ था। तो जैसे कि मटकोर की सारी रस्में हो गई हैं, और लास्ट में ये सारी रस्में की जाती है, तो मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड की थी, क्योंकि डुगु बिल्कुल भी रिकॉर्ड करने नहीं दे रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो जैसे तैसे मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करी थी, और ऐसे माहौल में मतलब ऐसे फंक्शन के दिन मेरी मम्मी की आंखों में आंसू था सिर्फ एक इंसान की वजह से, लेकिन आज मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, लेकिन अपने इमोशनल को अंदर छुपा के रखी थी, किसी को मतलब किसी से शेयर नहीं करी। तो क्यों नहीं करी ये, मतलब बस नहीं करी, बहुत ज़्यादा मम्मी अंदर से दुखी थी। तो ये देखिए सारी रस्में हो चुकी है, और वहाँ पर डीजे पे सभी लोग डांस कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ, डुगु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। ये मेरी मामी है, और इधर इस साइड ऑरेंज साड़ी में मेरी मम्मी है, तो ये छोटी वाली मामी है, और बड़ी वाली भी मामी है, बीच वाली मतलब मेरी चार मामी और चार। अब घर पर मतलब बुआई हल्दी कूटती हैं, फिर हल्दी लगाने का रस्म होगा, सभी एक एक करके हल्दी लगाएंगे, पहले भाई लोग लगाएंगे, फिर सारी लेडीज़ लगाएंगी। तो पहले मम्मी हल्दी को कूट देंगी, और ये हल्दी का रस्म हो रहा है, तो ये मामी जी मतलब पैसे डाल रही हैं, ये सारी चीज़ें बुआ को दिए जाती हैं। तो ये हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, तो आप सभी ब्लॉग में बने रहिए। भैया और
करूं भैया। हेलो आनंद में आओ जल्दी आओ। लोग जानते हैं ये समूह का दिखी याद फौजी बाबा जोन लाइक बहुत हाँ बेकार है कुछ इसीलिए ले लेना ये सबसे छोटी है सबसे छोटी वाली है गजली जारी के चिनार लड़ी के मम्मी बाबा बुला पापा खाना बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज का मटको बहुत ही धूम धड़ाके से हुआ, तो आप सभी ब्लॉग जरूर देखेंगे पूरा। तो इस ब्लॉग को मैं यही समाप्त करती हूँ। तो खूब इंजॉय किए सभी लोग, इंजॉय किए और यहाँ सभी लोग है तो मेरे को शर्म लग रही है, आपका नहीं आया तो मैं सोची कि एंड भी करना जरूरी है। तो लाइट नहीं आ रहा है, थोड़ा कम है उजाला। तो अगर आप सभी को आज का छोटा सा व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक मेरी पहले पहुंच जाए। छोटे बड़े अपना प्यार आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिएगा और फुल सपोर्ट कीजिए, पूरा वॉच किया करिए फ्रेंड्स। और बहुत ज़्यादा मस्ती करें, इधर है पतिदेव कपड़े वगैरह चेंज कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा डुग्गू परेशान कर रहा था, तो कभी ये पकड़ रहे थे कभी मैं, आप सभी देखे ही होंगे। तो चलिए फटाफट चेंज कर लेते हैं। ओके नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे कल के ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।